गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुमारो वी स्टडी अबाउट द कंपोजिट फंक्शन। आई एम श्योर यू सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीट फंक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, x माइनस वाई इजक्वल टू पाई, वाई प्लस साइन वाई इजक्वल टू कास एक्स, इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम इम्प्लीट फंक्शन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको लिखा हुआ ऊपर, एक्स माइनस वाई इजक्वल टू पाई एंड वाई प्लस साइन वाई इजक्वल टू कास एक्स, दैट टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड इम्प्लीट फंक्शन ऑफ एक्स। इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हमने आपको एग्जांपल बताया है। ध्यान से देखेंगे इसको। फर्स्ट एग्जांपल आपका है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ़ वाई प्लस साइन वाई इजक्वल टू कॉस एक्स। सोल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट वाई प्लस साइन वाई इजक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप पीछे भी जानते हैं वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, प्लस चूँकि आप डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं इसलिए अदर फंक्शन अगर मिलते हैं तो उनका हम डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं साइन वाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो साइन और वाई को अगर एक्स लेट करते हैं तो साइन एक्स का हो जाता है आपका कॉस एक्स, और जिसको आप एक्स लेट करते हो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद कॉस एक्स, तो इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि माइनस साइन एक्स होता है। इस तरह से आप नीचे आते हैं, आपने देखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों में कॉमन है, यहाँ बचता है वन प्लस यहाँ बचता है कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को ही रखेंगे, वन प्लस कॉस वाई को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिलता है डी वाई अपान डी एक्स इजक्वल टू माइनस साइन एक्स अपान वन प्लस कास वाई। इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उसका डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं आप इस टाइप के। आपके पास है फाइंड डी वाई अपान डी एक्स इफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इजक्वल टू कास वाई। फंक्शन गिवेन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ए कांस्टेंट टर्म, एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है वन होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, बी कांस्टेंट टर्म, और फिर यहाँ वाई स्क्वायर एक्स नहीं है इसलिए एक्स मान करके अगर जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा टू वाई, और फिर जिसको आपने एक्स कलेक्ट किया तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, फिर इक्वल टू कास वाई, फिर वाई नहीं एक्स नहीं है तो एक्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन वाई डी वाई अपान डी एक्स। इस तरह से डी वाई अपान डी एक्स वाले जो टर्म हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, सिंगल टर्म जो बचा हुआ है ये इधर है, फिर डी वाई अपान डी एक्स को वहीं छोड़ते हैं, बाकी टर्मों को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स इजक्वल टू माइनस ए अपान टू बी वाई प्लस साइन वाई। इस तरह से इम्प्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म। लेट ए फंक्शन वाई इजक्वल टू यू इंटू वी, मीन्स अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हों तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं होता है, तो उसका फार्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं, बीच में प्लस लिखते हैं, फिर सेकेंड को छोड़ते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इस तरह से एक फार्मूला मिलता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो तो। इस तरह से आप उसका एग्जांपल देखें। एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजक्वल टू 81 है। यहाँ आप देखें एक्स स्क्वायर वाई दो फंक्शन यानी दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में है, यहाँ भी आप एक्स वाई स्क्वायर देख रहे हैं दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में हैं। तो इस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब करना होता है तो देखें
चूँकि यहाँ एक्स क्यूब सिंगल है तो इसका 3x2। यहाँ दो वेरिएबल मिलते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल छोड़ते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर नेक्स्ट चलते हैं प्लस फिर फर्स्ट को छोड़ते हैं सेकंड का डिफरेंशिएशन फिर सेकंड को छोड़ते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर प्लस वाई क्यूब का 3y2 dy/dx इज इक्वल टू, आप जानते हैं कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो होता है तो 81 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फिर आप करेंगे क्या, dy/dx वाले जितने भी टर्म है उसमें कॉमन लेकर के बाकी जो बचेंगे लिख लेंगे, इज इक्वल टू बाकी 3x2 2xy y2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे जो माइनस में मिलेंगे आपको, फिर dy/dx एक तरफ छोड़ करके बाकी टर्मों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -3x2 + 2xy + y2 / x2 + 2xy + 3y2। नेक्स्ट एक फंक्शन पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन अगर आपको मिलता है तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। y = tan inverse 3x - x³/1 - 3x²। इस तरह के अगर एग्जांपल्स आपको मिलते हैं तो अगर साइन के फॉर्म में है तो साइन x = sin θ लेट करेंगे, कॉस के फॉर्म में है तो कॉस और टेन के फॉर्म में है तो टेन, तो यहाँ टेन के फॉर्म में इसलिए x = tan θ लेट करेंगे। अगर टेन को ट्रांसफ़र किया जाए तो θ = tan inverse x मिलेगा। फिर आप देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ टेन थीटा पुट कर देंगे, यह फार्मूला होता है tan 3θ का, तो यहाँ पे आपने tan 3θ लिखा। आप tan इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं इसलिए आप जानते होंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 3θ इक्वल टू होता है 3θ, थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x, यहाँ जो कि आप निकाल चुके हैं। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का होगा dy/dx, 3 बचेगा और tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², ये फार्मूला होता है जो कि हमने बगल में लिख दिया है। इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने ये पूरा एग्जांपल्स है, हमने सभी एग्जांपल्स को बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया भी, आपके सामने लिख के दिखा भी दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस एवं एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस फंसते हैं वो आप पूछ सकते हैं, पूछने के बाद हम अगले वीडियो में उसका सलूशन दे देंगे।